सो हेलो गाइस, दिस आर रोमैन, यू आर वॉचिंग अल्ट्रा मार्ट्स। सो गाइस, क्या है कि आज मेरे पास एक ये ऑयल पिस्टल का सेट है, आर्टिस्ट सेट है, ये कैमल की तरफ से आता है और इसमें लिखा हुआ है ये ब्राइटर एंड स्मूथर है। तो इसमें 50 सेट्स आते हैं और इसकी कुछ एमआरपी है कुछ 490 कुछ एमआरपी है इसकी। और इसको मैंने अभी अभी ख़रीदा हूँ, ये मेरा पहला हो सकता है ऑयल पिस्टल हो, मैंने शायद ही बचपन में कोई से यूज़ किया होगा, वो भी स्टूडेंट ग्रेड यूज़ किया था। तो चलिए इसका ढक्कन खोल के देखते हैं। इसके अंदर हमें कुछ 50 शेड्स मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है इसकी, लग रहा है आर्टिस्टिक है। और इसको यूज़ करके ही देखना पड़ेगा, पता नहीं किस तरीके से चलते हैं। लिखा तो इसमें ब्राइटर एंड स्मूथर, मैंने सही बताऊँ तो आज तक यूज़ नहीं किया इसको। कलर कोई सा अच्छा सा ले लेते हैं, मैं यूज़ करूँगा ब्लू कलर यूज़ करके देखता हूँ, ब्लेंड करके भी देख लेंगे इसको किस तरीके से यूज़ होता है। तो मैंने अभी ये ब्लू कलर लिया हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि शेड्स बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं और मैं इसमें ब्लेंड करके देखता हूँ। आई होप मैं सही कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी ऑयल पेस्ट यूज़ नहीं किया सही, तो मेरे को पता नहीं है कि किस तरीके से इसको ब्लेंड करते हैं या कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन आई प्रॉमिस यू गाइस, मैं एक वीडियो बनाऊंगा पेंटिंग की जिसमें मैं इन ऑयल पेस्टल्स को यूज़ करूँगा, और हो सकेगा तो मैं एक स्टिल लाइफ स्केचिंग बनाऊँगा, स्टिल लाइफ पेंटिंग बनाऊँगा इससे, ताकि इसकी रियल वैल्यूज़ को मैं शो कर सकूं। तो आप देख सकते हैं मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इससे स्ट्रोक पेंटिंग जो होती है बहुत अच्छी होंगी। और इसके बहुत सारे तरीके इसमें लिखे हैं, ये बैक साइड में कुछ लिखा था इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ अगर ये निकल सके तो। ये इसके बैक साइड में आपको बहुत सारे वेज मिल जाएंगे इसको यूज़ करने के। इसमें लिखा हुआ है पेंट द बैकग्राउंड विथ कैमल वाटर कलर्स, मतलब ये जो ऑयल पिस्टल है ये इसको अगर आप वाटर से मिला के भी करना चाहते हैं तो ये हो जाता है, मतलब ये वाटर बेस्ड भी है। अगर आपको इसमें वाटर से आप इसको ब्लेंड करना चाहते हैं तो ये वाटर से भी ब्लेंड हो जाता है, ये ऑयल से भी ब्लेंड होता है। और इसमें एड अ वॉश ऑफ कैमल लिंसेड ऑयल, आप इसमें लिंसेड ऑयल को यूज़ करके भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो आई होप ये कलर से मैं कुछ अच्छा बना पाऊँगा क्योंकि मैंने अभी तक कैमल में कोई भी जो पोस्टर कलर्स हैं, ऑयल पेस्टल कलर्स हैं, वो यूज़ नहीं किया हूँ, और आई होप मैं इससे कुछ अच्छा बनाऊँगा और जो भी बनाऊँगा आप सभी के साथ शेयर जरूर करूँगा गाइस। तो बस यही रहा है, चलिए इससे कुछ ड्रॉ करके देखते हैं। वैसे इसमें तो मैंने ये डार्क कलर से कुछ बनाया था, समझ में नहीं आ रही कैसा है, अब कुछ डार्क पेपर में करके देखते हैं कि कितने ब्राइट कलर से हैं। ये ब्लू कलर ही रखा है। सो गाइज, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स हैं, और बिकॉज़ ये ऑयल बेस्ड हैं तो ये दिख भी अच्छे से रहे हैं। और ये देखिए, मैं जैसे फिंगर से इसको ब्लेंड कर रहा हूँ तो कितना स्मूथ ब्लेंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है गाइज, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग हुई है। और इसी में अगर मैं दूसरे कलर से ऐड करके देखता हूँ शेड्स, सो गाइस शेड्स तो वो अच्छे आ रहे हैं। अब इसको यूज़ करके मैं जब पेंटिंग बनाऊंगा उसकी जो वीडियो अपलोड करूंगा उसी में पता चलेगा ये किस तरीके से वर्क करते हैं सकता हूँ। सो गाइस, आपको अगर ये मेरा रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरी सारी वीडियोज़ देख सकें। सो सी यू सून गाइस, हैव अ गुड डे।